एक बार फिर से स्वागत है न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे इस रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग जो कि सैमसंग के तरफ से है, और ये मेरे को किस प्राइस में पड़ा है और अभी जो ये सेल के दौरान किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, तो वो सारा कुछ हम डिटेल बात करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज जो है हम RGB सेटअप के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ये सामान ही इतना बड़ा था, इसको अपने अभी स्टूडियो में लेके जाके अनबॉक्सिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम यहीं पे करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी को वीडियो करते हैं स्टार्ट। लैब्स का दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने स्टूडियो में और सबसे पहले हम आपको जो है धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं और अनबॉक्सिंग पूरा देख चुके हैं। ठीक है, अब हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसकी हम जो बेसिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि जो लोग लेने की सोच रहे हैं तो उनको इस वीडियो से जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, और आगे तो कई सारे आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, तो इस सेल में जो आप परचेज कर पाएंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट कोई बात नहीं, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है सैमसंग के तरफ से है और ये 198 लीटर वाला है और ये 4 स्टार का है। ठीक है, अब कुछ लोग का ये रहता है कन्फ्यूजन कि ये 4 स्टार 3 स्टार ये होता क्या, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 5 स्टार तक का आता है, तो जितना ज़्यादा स्टार रहेगा ना उतना आपका जो है बिजली को ये सेव करेगा। ठीक है, तो मेरा 4 स्टार वाला है, अगर 5 स्टार करता तो और भी ज़्यादा बिजली को ये सेव कर पाता। बाकी ये मेरा वाला जो है ये एक साल में 131 यूनिट को जो ये कंज्यूम करेगा, तो आप पहले से पता कर सकते हैं कि आपका जो है एक रेफ्रिजरेटर से कितना खर्चा आने वाला है, तो ये चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगा। तो लेते टाइम इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें आपको देखेगा तो बड़ा अक्षर में मेंशन किया हुआ कि 10 ईयर्स की वारंटी। तो कुछ लोग का कंफ्यूजन होता है कि 10 ईयर्स का जो पूरा ये मतलब फ्रिज का रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप थोड़ा सा नीचे में ध्यान से पढ़िएगा, तो ये जो 10 ईयर्स की वारंटी सिर्फ इसका कंपनसेटर का रहता है और पूरा फ्रिज का वारंटी जो पूरा 1 साल का ही आपको मिलेगा, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और ये मेरा जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये सबसे मज़े की बात है, इसको आप जो अपने इन्वर्टर पर चला सकते हैं, तो अपना सोलर वगैरह है आप तो सोलर पर भी इसको जो है चला पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और आप लेते टाइम जरूर ध्यान रखें कि आप लोग जो कभी बाय करते हैं ना, तो आपको कहीं पे थोड़ा सा प्राइस कम पड़ेगा, कहीं पे ज़्यादा पड़ेगा, तो आप इसका मॉडल नंबर जरूर चेक करें, मतलब ये किस वर्ष का बना हुआ है। तो मेरा जो है ये मॉडल नंबर 2022 वाला है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्राइस डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो उसका मॉडल नंबर जो है हो सकता है 18 रहेगा 19 रहेगा, तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखें। तो मेरा जो है ये 2022 वाला मॉडल है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ सकता है, और थोड़ा सा कहीं आपको दुकान वाला थोड़ा सा मामा बनाने के लिए सब हरकत करते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी चेक कीजिएगा तो कहीं कहीं पे आपको जो थोड़ा सा प्राइस का अप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये फ्रिज को ना मतलब सोते टाइम ऑफ कर दें या घर से कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर जाने से उसको ऑफ कर दें। तो देखिए, उसको ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का रहता है, तो आपको कहीं जाते टाइम या सोते टाइम इसको ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आपको ऑन ही रखना है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये सही से कूलिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एनी टाइम इसको ऑन ही रखना है। और इसमें ऑटो कट का टेक्नोलॉजी रहता है, तो अगर आपका बिजली कहीं पर बहुत ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये कट जाता है, और ये 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक ये रहता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक इसमें ऑटो कट हो जाता है, उससे कम भी रहेगा तो ऑटोमेटिक इसका लाइट कट जाता है। ठीक है, और आपको इसको हमेशा ऑन ही रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल वगैरह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी आपको जो एक LG का रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड बाय कर रहा था, सोच रहा था मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, और वो 5 स्टार के तरफ से है,
तो वो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।